Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. Welcome back to another Real Talk Tuesday video. I am getting this video again. It's coming from the intricacies and the ocean floor and the Alibaba's cave. That is my Instagram DMs. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं on Instagram DMs. And I've realized कि पिछले especially during the lockdown one of the most common conversations that keep coming up is ki you know I am, and this might sound like a very small issue, like, you know, I am always working in a group project with a bunch of people that I don't like, or Pradipta, the internet has become a toxic place, or Pradipta, I don't know how to deal with, like, these people who I think are my friends but I don't really like them so much, and there's always things that keep happening ki mere best friend se ladai ho gayi and now I don't like her so much, and now I realize ki, you know, she was treating me like this, and I just realized there's always a lot of confusion around how to deal with people who we don't like. And let's be very real here, there are people around us at many times that we don't like. Me personally, I spend my life on the internet, so there is definitely people around me that I don't like. mere job ki wajah se I get to actually meet a lot of newer people, and I don't always like all of them. I'm being very real here. And there are three things that I do that help me deal with people that I don't like. मैं भी शेयर करने वाली हूँ तीनों चीजें आपके साथ. So try करो, मे बी हेल्प हो सकती है टू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, नंबर वन, मैं टाइम से समझ गई थी और मैं यही बताना चाहती हूँ कि आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कि नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ फ्रेंड, यू नॉट आई एम सेइंग, बीइंग ओके एंड मेकिंग पीस विद द फैक्ट कि एवरीवन अराउंड यू इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रेंड. यू नो, आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाओगे, ट्यूशंस चेंज होंगे, आप अगर इफ योर फैमिली मूव्स अराउंड, सिटीज चेंज होंगे, आप ग्रेजुएट हो जाओगे, इंटर्नशिप्स में अलग अलग जगह काम करोगे, अलग अलग जॉब्स में जाओगे, वहां अलग अलग लोग होंगे, यू स्टार्ट डेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दोज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल्स. सो चाहो या ना चाहो, एट ऑल टाइम्स यू आर एक्सपोज टू सो मेनी न्यूअर काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू. एंड मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वेन यू डोंट लाइक देम, इट इज मच ईजियर टू डील विद देम वेन यू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मेक पीस विद द फैक्ट कि आई डोंट नीड टू बी फ्रेंड्स विद देम. यू नो, एवरीबडी इज नॉट अ फ्रेंड. आप बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाओगे इन द प्रोसेस, बट नॉट एवरीबडी हैव, यू नो, एवरीबडी डजेंट हैव टू बी अ फ्रेंड. You know what I'm saying? And the minute you look at a situation like that, बड़ी चीज सिंप्लीफाई हो जाती है मन में. जैसे कितनी बार मेरे साथ ऐसे होता है कि if I have gone for a shoot और I have reached somewhere जहां पे जो लोग हैं मुझे वो पसंद नहीं आ रहे, you know? But I think पहले मैं ऐसे करती थी कि मुझे बड़ा बॉदर होता था कि यार ऐसे कैसे काम करूंगी ऐसे लोगों के साथ जो मुझे लोग ही पसंद नहीं है, तो मैं काम कैसे करूंगी. बट देन लेटर रियलाइज कि क्यों सबसे दोस्ती बनानी है यार. हाय हेलो करो, यू नो, कॉफी पियो एक दूसरे के साथ, उधर की उधर बातें करो और निकल जाओ उसके बाद. मतलब आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. सो अंडरस्टैंडिंग दैट नॉट एवरीबडी हैज टू बी योर फ्रेंड, ऑल्सो बीइंग योर फ्रेंड इज अ प्रिविलेज. यू नो, आई हैव ऑलवेज थॉट लाइक दैट कि ऐसे फ्रेंडशिप इज वेरी वैल्यूएबल, सोना है, ऐसे बांटते मत फिरो यार, काम करने दो सबको टू बिकम योर फ्रेंड. नंबर टू, व्हाट आई डू इज दैट आई एम एन अनोइंग ऑप्टिमिस्ट. इस चक्कर में आई ऑलवेज बिलीव इन द सिल्वर लाइनिंग. मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि कोई भी इंसान हो, उसमें कुछ ना कुछ एक चीज तो अच्छी होती है, एक कुछ ना कुछ चीज होती है जिससे आप सीख सकते हो. और अगर उस बंदे में कुछ भी, बंदा या बंदी में कुछ भी सही ना हो, सब कुछ ही गलत हो, तो भी देर इज अ सिल्वर लाइनिंग इज देन आई लुक एट देम एज एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ आई शुड नेवर बिकम, यू नो, हाउ नॉट टू बी, यू नो. सो ऑलवेज लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग वेन यू आर अराउंड पीपल दैट यू डोंट लाइक एंड यू वॉन्ट टू डील विद दीज सिचुएशन सोशली, पर्सनली, जैसे भी. अंडरस्टैंड कि हर कोई चाहे जितना भी गलत हो, देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, देर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्सन एंड लुक फॉर दैट समथिंग. उससे ऐसे हो जाता है कि आपका काम आसान हो जाता है टू टॉलरेट दिस पर्सन. एंड देन फाइनली नंबर थ्री और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू डील विद पीपल यू डोंट लाइक, प्रोटेक्ट योर पीस, डिसएंगेज. अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है हु डज नॉट हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन, हु डजंट वैल्यू एड इन योर लाइफ इन एनी वे व्हाटसोएवर, हु डजंट मेक यू हैप्पी, हु डजंट हेल्प यू ग्रो, हु डजंट गिव यू फ्रेशर पर्सपेक्टिव, हु डजंट वैल्यू एड, बेसिकली डिसएंगेज करो. एंड बाय डिसएंगेज आई डोंट मीन कि बंदा एंटर करते कर लो, ना. पुट योर गार्ड अप, ड्रॉ योर लाइन्स, नो कि कितना कॉन्वर्जेशन आप वर्दी समझते हो, वर्दी ऑफ योर टाइम एंड देयर टाइम, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो डिसएंगेज करो, अपने पीस को प्रोटेक्ट करो यार. कल को तुमने जब ये सारे सिचुएशन से निकल के घर आना है तो अपने दिमाग में ही रहना है, तो इससे बड़ा खुश रखना जरूरी है, ठीक है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई डू टू डील विद पीपल दैट आई डोंट लाइक. बड़ा अजीब सा टाइटल, पता नहीं कैसे दिमाग में आई है बात मेरे. बट व्हेन आई रेड ऑल दोस डीएम्स आई रियलाइज कि अच्छा नहीं यार, यार स्कूल से ही ऐसे होता है कि ग्रुप्स होते हैं एंड देयर इज ऑलवेज दिस वन ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू डोंट लाइक. कॉलेज में भी ऐसे होता है और इन लोगों से ना बड़ा पाला पड़ता है बार 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 बार, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ. या फिर तुम उसके ग्रुप में ही चले जाते हो कभी, मतलब प्रोजेक्ट में, या फिर ऐसे ऑफ में. सर ये इंटर्नशिप के टाइम पे बड़ा होता था कि ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें मैं नहीं पसंद करती थी पर मैं बार बार उन्हीं की टीम में फिर मैं मुझे डाला जाता था एंड थिंग्स लाइक दैट. बट ये थोड़ा बहुत मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है. ऑब्वियसली दिस इज थिंग्स दैट आई हैव लर्न एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. अगर आपका कोई तरीका हो तो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू लर्न मोर एंड या इट्स ऑल ओके, इट्स गोना बी फाइन. आई एम गोना गो नाउ. डू यू वांट अ ग्लिम्स ऑफ माय डेस्क? I'm so excited. मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि डू ऑल वांट टू सी योर सेटिंग अप माय डेस्क. मैंने वो डाला जैसे कि हाँ अगर आपको पसंद है तो मैं शूट करूंगी. मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ. सो मोस्टली सब मिनी व्लॉग्स विल कम ऑन माय शॉर्ट्स और समथिंग लाइक दैट. आई विल पुट अप टुमारो और डे आफ्टर, आई विल सी. बट आई एम रियली एक्साइटेड. ओके आई एम गोना गो नाउ. आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून. अंटिल वी मीट, लव लव.